डिमांड है उसमें सबसे पहले जो है वो मिनिमम वेज जो है 50,000 की जाए, बल्कि हम ये कहते हैं कि मिनिमम वेज की बात नहीं होनी चाहिए, अब लिविंग वेज की बात होनी चाहिए जो 74,000 है। तो हम इसके लिए जिद्दोजहद भी करेंगे और आज इस रैली में हम ये डिमांड भी हमारे मजदूरों के साथ रखेंगे कि लिविंग वेज जो है मजदूरों की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा डिमांड ये है कि जितने भी वर्कर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन तमाम वर्कर्स को समाजी तहफ़ के जितने इदारे हैं यहाँ पे, चाहे वो EOBI है, SSE है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, उनके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करवानी बहुत अब जो है ज़रूरी है, लाजमी है। इसी तरीके से हमारा एक और डिमांड है कि जो फैक्ट्री और कारखानों में जिस तरीके से जो है हरेसमेंट किया जाता है, खासतौर पर खवातीन के साथ रखा जाता है जो सुलूक, उसको जो है फिलफोर ख़त्म किया जाए। दुनिया भर में रियासतें जो हैं वो अपने शहरियों को इंसानी हकूक़ की फरहमी रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत जो है वो जानो माल की ज़िम्मेदारी लेती है अपने शहरियों की, रियासत उनके रोज़गार, रियासत उनके तमाम मामलात की ज़िम्मेदारी लेती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी रियासत जो है लोगों को नई रोज़गार तो नहीं दे पा रही, लेकिन जो लगी हुई रोज़गार हैं वो भी छिन रही हैं। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं कि जो बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं। आप देखिए मुल्क भर में जो मज़दूरों की तादाद है वो करोड़ों में है, कहा जाता है कि ये 7 करोड़ से ज़्यादा है वर्कफोर्स जो काम करती है, लेकिन आप रजिस्टर्ड लोगों की तादाद देखें तो वो हमें चंद लाख नज़र आती है। ना उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात मैसर हैं इन करोड़ों मजदूरों को, ना ही ओल्ड एज बेनिफिट की सहूलियात हैं। ये लोग बुनियादी सहूलियात यानी कि अपने अपॉइंटमेंट लेटर तक से महरूम हैं। इनके आप कारगाहों में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी मुश्किल हालात में वो नौकरी कर रहे हैं अपनी, और रियासत जिसने वादा किया इनसे कम उजरत का, वो कम से कम उजरत भी इन्हें दिलाने में नाकाम नज़र आती है।